नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव 15 साल बनाम 15 साल के तर्ज पर हो रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव में पार्टियां 5 सालों का ही हिसाब किताब रखती हैं, फिर चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव देश का शायद पहला ऐसा चुनाव है जिसमें पिछले 30 सालों का हिसाब किताब गिनवाया जा रहा है। रूलिंग पार्टी जदयू और भाजपा का मानना है कि पिछले 15 साल में बिहार में काफी विकास हुआ है, जबकि विपक्षी पार्टी राजद का कहना है कि बिहार में जितना विकास उनके 15 साल के कार्यकाल में हुआ था, उतना विकास वर्तमान सरकार के 15 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ है। वर्तमान में बिहार में सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टियों का मानना है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है वह उनके सरकार के इसी 15 साल में ही हुआ है। बिहार में पहले बिजली की समस्या थी, सड़कों पर गड्ढे थे, शिक्षा व्यवस्था चौपट थी, अपराध बहुत ज्यादा होती थी। इन सभी समस्याओं से छुटकारा इन्हीं 15 सालों के कार्यकाल में मिला है। जबकि विपक्षी पार्टी यानी राजद का मानना है कि उसके शासन काल में बिहार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। पिछले 15 साल में बिहार में कुछ भी नया नहीं हुआ, बल्कि जो भी अच्छे काम हुए थे उनको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। अब गौर करते हैं इन राजनीतिक दलों के पिछले 30 सालों के इतिहास की। पता चलेगा कि इन 30 सालों में सभी पार्टियों का आपस में बढ़िया तालमेल रहा है, यानी कि जो आज राजनीति में दुश्मन है वो कभी आपस में दोस्त हुआ करते थे। गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस दौरान सभी पार्टियां और नेताओं की भागीदारी रही है। बीते सालों के दौरान इनकी राजनीति एक दूसरे के बिना अधूरी हुआ करती थी। दोस्ती इस हद तक हुआ करती थी कि एक दूसरे के बगैर इनकी सरकारें नहीं चल सकती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है और बीते सालों के ये दोस्त अब राजनीति में दुश्मन बन चुके हैं। आइए नजर डालते हैं बिहार के राजनीतिक इतिहास के इन 30 सालों पर और जानने की कोशिश करते हैं कि किसने कितना विकास किया। पहले हम बात करेंगे 1990 से 2005 यानी कि पहले के 15 वर्ष की। इस शासन काल में लगभग वो सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे हैं जो आज सत्ता में हैं। 1990 में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी और लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस समय नीतीश कुमार जनता दल से सांसद थे। भाजपा के 39 विधायकों ने सरकार का बाहर से समर्थन किया था। 1994 तक नीतीश कुमार जनता दल में थे। 1995 में नीतीश कुमार ने लालू यादव को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए अपना संघर्ष शुरू किया था। 2000 से 2005 तक कांग्रेस भी सरकार के साथ जुड़ गई थी। अब बात करते हैं 2005 से 2015 तक के शासनकाल की। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। जून 2013 तक भाजपा भी सरकार में भागीदार थी। जून में भाजपा इस सरकार से अलग हो गई। कांग्रेस और वाम दल अंदरूनी सहमति से सरकार के बचाव में आ गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। 2014 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए और उनके ही पार्टी के जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। राजद जो अभी सरकार से पिछले 15 साल का हिसाब मांग रही है वो भी इस दौरान सरकार का हिस्सा रही है। 2015 में बनी महागठबंधन के सरकार में राजद भी भागीदार रही और साल 2017 तक सरकार का हिस्सा रही। 2017 में भाजपा जदयू के साथ सरकार में फिर से शामिल हो गई और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव दोनों दल साथ में ही लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लालू यादव के 15 साल के शासन काल में केंद्र में जनता दल, समाजवादी जनता पार्टी, कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही है, जबकि नीतीश कुमार के शासन काल में केंद्र में 9 वर्ष कांग्रेस और 6 वर्ष भाजपा की सरकार रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।